विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने शुरू होने में कुछ ही महीने बाकी हैं और उसको लेकर आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा के चेयरमैन डॉक्टर सुनील पवार हमारे साथ हैं और काफ़ी समय से वे कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं और काफ़ी मेहनत भी करते हैं और उनसे आज खास बातचीत करेंगे और हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले R9 TV में बहुत बहुत स्वागत है। मैनपाल जी, R9 TV चैनल को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्हें मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ बातचीत करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है कि विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लगभग 2-3 महीने अभी बाकी हैं और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 2 दड़ों में बटी हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी कौन से 2 दड़ों में बटी है वो मुझे समझ नहीं आता। देखो, हरियाणा के अंदर जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, जिसको आप धड़ों के में बंटने की बात करते हो, मेरे हिसाब से वो धड़ों में बंटना नहीं, वो पावर सेंटर्स हैं। और जहाँ पर तानाशाही शासक जो पहले होते थे, वो सत्ता की सारी ताकत अपने हाथ में रखते थे, लेकिन आज डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में किसी भी आदमी को आगे बढ़ने का अधिकार है। इसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के जितने भी सीनियर नेता हैं, अगर आज वो डेमोक्रेसी के अंदर आगे बढ़ने का सपना देखते हैं तो वो कहाँ गलत है। तो ये पावर सेंटर्स के रूप में मैं इनको देखता हूँ, ये धड़ों में बंटना इसको नहीं मानता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है, अब की बार 75 बार बीजेपी का ये नारा है भारतीय जनता पार्टी का, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखो, अब अपने हरियाणवी भाषा में भी बोलते हैं कि जो आदमी कुछ बोलता है भाई, मारने वाले का तो हाथ पकड़ लें, बोलने वाले का मुँह थोड़ी ना रोका जाता है। अब ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर जिस तरीके की बातें ये करना चाहते हैं वो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो सरकारें बनती हैं, जो MLA बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, वो लोकतंत्र में लोगों की वोट के द्वारा बनते हैं। अब ये तो जनता तय करेगी कि ये 75 पे जाएंगे या 5 पे आएंगे। तो इस बारे में मेरा यही मानना है कि इस तरीके के जो नारे हैं वो लोगों के ऊपर एक मानसिक दबाव, एक मानसिक परिवर्तन के लिए डाला जाता है, ताकि जो हमारा न्यूट्रल वोट बैंक है वो किसी तरीके से इनकी तरफ शिफ्ट हो पाए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील पवार जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी जो सरकार है उसकी जो कुरीतियाँ हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जो किसान हैं उनके साथ एक छलावा है, उनके साथ एक भद्दा मजाक किया जो 6,000 रुपये साल के फसल बीमा योजना के नाम पर दिए। अब देखना होगा कि सरकार और किस पर कितना वो खरा उतर पाती है या नहीं। इंद्री से मैनपाल कश्यप, R9 TV।